गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन सहित अन्य कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शनिवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अब अपराध नहीं आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है गोरखपुर। 6 सालों में विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है गोरखपुर। त्रेता युग से चली आ रही है गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। 15 जनवरी को चढ़ेगी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी। श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला। बाबा को चढ़ाए जाने वाले अन्य जरूरतमंदों में वितरित होता है वर्ष भर। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, कहा साकार हो रहा है राम राज्य का संकल्प। आज कोई भी किसी गरीब का नहीं कर सकता है शोषण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के चुनाव के लिए दाखिल पर्चों की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की जांच। 27 में से 25 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए वैध, 2 पर्चों को किया गया खारिज। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर में 13 जनवरी की शाम 8 बजे से 16 जनवरी की शाम 8 बजे तक वाहनों का रूट किया गया है डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिला अस्पताल में मरीज एवं लावारिस लोगों को वितरित किया गया कंबल। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, गरीबों एवं मरीजों के साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी वितरित किया गया है कंबल। और महानगर में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप, अभी भी शीतलहर की बनी हुई है संभावना। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, सुबह व शाम का मौसम अभी रहेगा सर्द, जरूरत पड़ने पर ही निकले रात में घर से बाहर। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में पहुंचकर भाग लिया तथा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपा देवी पार्क में चल रहे 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लिए और नागरिकों को संबोधित किया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे और दोपहर बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व गोरखपुर को आतंक और अपराध का पर्याय समझा जाता था, पर विगत 6 सालों में विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ के नागरिकों और नौजवानों को एक नई पहचान मिली है। गोरखपुर अब अपराध नहीं आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2023 के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम व विपरीत परिस्थितियों में विगत 6 सालों में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता से हो रहा है। गोरखपुर ने विकास की नई यात्रा प्रारंभ की है। इस जनपद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अनुकंपा भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर विकास की नई यात्रा पर है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा में गोरखपुर कैसे पीछे रह जाता। गोरखपुर भी नई पहचान के साथ इसमें सहभागी बना है। गोरखपुर महोत्सव नई पहचान की महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहचान अच्छाई से होनी चाहिए। इसी के दृष्टिगत गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसकी तड़पन थी। कभी खुद बीमार रहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो ठीक हुई है, यहाँ एम्स भी खुल गया। 1990 में बंद खाद कारखाने की जगह 2021 में नया कारखाना चालू हो गया, यह क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है। रामगढ़ ताल पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभरा है। वायु सेवा बेहतरीन हुई है। गोरखपुर को चिड़ियाघर की सौगात मिल गई है। सीएम योगी ने कहा कि जिस जिले की पहचान अपराध से थी, वह गोरखपुर अब विकास और 4 विश्वविद्यालयों की पहचान रखता है। गोरखपुर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग का हब बन रहा है। कोई भी गोरखपुर को विस्मित नहीं कर सकता। फिल्म बनाने के लिए भी यह बड़े मंच के रूप में उभरा है। गोरखपुर में अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कला का सम्मान व प्रोत्साहन होना चाहिए, यह गोरखपुर महोत्सव उसी का हिस्सा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में कला के क्षेत्र की कई विभूतियों के साथ बड़ी संख्या में नवोदित कलाकारों को मंच व सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से डिब्रूगढ़ तक सबसे बड़े क्रूज का शुभारंभ किया है। कल शाम काशी में प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन व उनकी टीम ने भजन संध्या की प्रस्तुति दी, उसे खूब सराहा गया। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय संगीत के पीछे भाग रही है। भारतीय संगीत में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आध्यात्म का वह पुट है जिसमें समाज व देश को जोड़ने की ताकत है। गोरखपुर महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को आगामी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 14-15 जनवरी से खिचड़ी मेला प्रारंभ होगा। लाखों श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाएंगे। सीएम ने प्रतिकूल मौसम में भी सफल आयोजन के लिए गोरखपुर महोत्सव समिति से जुड़े लोगों को बधाई दी। कहा कि कपकपी के बावजूद लोगों का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ। गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से सीएम योगी ने 10 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन टीम की खिलाड़ी आदित्य यादव, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता गोविंद साहनी, एशियन व वॉलीबॉल चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता अतुल सिंह, टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमन राज, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर अनीता अग्रवाल, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सीमा मिश्रा, उद्योग के क्षेत्र में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एस के अग्रवाल व महिला उद्यमी संगीता पांडे, साहित्य के क्षेत्र में कवित्री डॉक्टर चारुशीला सिंह तथा कला के क्षेत्र में रंगकर्मी अशोक महर्षि को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी बेहतर करने का प्रोत्साहन और प्रेरणा स्वरूप है। गोरखपुर महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रख्यात गायक पद्मश्री से सम्मानित सोनू निगम के एल्बम CD श्री हनुमान चालीसा का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है। इसके रचते समय अनेक चुनौतियां भी आई, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सभी संकट दूर होते गए। हनुमान चालीसा आज जन जन का मंत्र है। बच्चे के प्रारंभिक बोली की तरह यह सहज और सरल तरीके से शिक्षित अनपढ़ सबके रोम रोम में बसा है। ऐसे दौर में जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरणों में है, सोनू निगम ने प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली के प्रति आस्था व्यक्त कर करोड़ों करोड़ों भक्तों को आह्लादित होने का अवसर प्रदान किया है। मंच से सीएम योगी ने महोत्सव की स्मारिका अभ्युदय का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में सुप्रसिद्ध भजन गायक अग्निहोत्री, बंधुओं व सांसद रविकिशन के गायन का भी आनंद
आनंद लिया। रवि किशन ने यूपी में सब्बा, योगी चौकीदार जैसी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अग्निहोत्री बंधुओं ने भी कई सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वक्त गोरखपुर और पूरे प्रदेश को कुछ नया देने का चिंतन करते रहते हैं। उनकी कोशिश प्रदेश के विकास के साथ लोक कलाओं व संस्कृति के संवर्धन की रहती है। गोरखपुर महोत्सव इसी की महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां बड़े पैमाने पर स्थानीय कलाकारों को मजबूत मंच मिला है। इस अवसर पर सांसद कमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, एडीजी जोन अखिल कुमार, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, सीडीओ संजय मीना, गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र आदि भी उपस्थित रहे। खड़े होकर तालियां बजाएंगे, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके शुभागमन से इस गोरखपुर महोत्सव को। एक का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री महेंद्र सिंह तंवर जी से अनुरोध करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। तो मैं दुनिया की भीषणतम महामारी कोविड-19 के कारण न होने के पश्चात इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आयोजित हो रही है। इस अवसर पर जनवरी की इस महोत्सव अवधि में कुल 207 कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें 182 कलाकार गोरखपुर परिक्षेत्र के हैं तथा 25 कलाकार राष्ट्रीय स्तर के हैं और उनमें भी 15 कलाकार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जनपद के सभी विभागों व संस्थानों ने न केवल हमें बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग दिया, वरन अपनी उत्कृष्ट स्टॉल व प्रदर्शनियों से कार्यक्रम की सफलता में चार चांद लगाया है। गोरखपुर महोत्सव में सुश्री नेहा बनर्जी द्वारा कथक, बॉलीवुड नाइट में अमन त्रिखा, पद्मश्री कैलाश खेर जी, असित त्रिपाठी, सोनू निगम जी, लोक गायन में पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, भजन गायन में अग्निहोत्री बंधु मुख्य परम पूज्य पीठाधीश्वर हमनी के भरोसा हमनी के गौरव की रक्षक बाड़न, रोजगार के सुरक्षा के व्यवस्था के बेटी लोगन के माई लोगन खातिर, उत्तर प्रदेश जिंद्रा खातिर एगो परिवार बा उनके, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। प्रशासन के मिलल व्यवस्था हुई जाड़ा ठंडे में सब लोग आप लोग इतने भव्य तरीके से आए, आप सभी लोग उनके प्रणाम करब। देवतुल जनता के अपना खातिर जोरदार ताली बजाना, खुद के लिए बना कि आप लोग इतने अच्छे हैं स्वयं के लिए। हमारे माननीय सांसद बासगांव से आलवाड़न कमलेश भैया उनका स्वागत बा, विधायक कैम्पियरगंज उनके स्वागत, विधायक पिपराइज फतेह बहादुर जी माननीय विधायक कैम्पियरगंज उनके स्वागत, विधायक गोरखपुर शहर, विधायक गोरखपुर ग्रामीण, विधायक सजनवा, विधायक खजनी, विधायक चौरी चौरा, विधायक बांसगांव, विधायक चिल्लू पार सदस्य सब लोगन के, जितना हमारे माननीय विधायक गणबाड़न, माननीय सांसद गणबाड़न, हमारे अधिकारी गणबाड़न, कहेंगे समय कम बा महाराज जी के भी बोले के बाटे और फिर मेरी प्रस्तुति भी है तो मैं थोड़ा घबराया हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। एक तो महाराज जी सामने बैठेंगे और उसके बाद हमको कोई अहरा बैठा ना तो आधा शब्द भुला जाएगा, सबका नाम भुला जाएगा। हम हमारे महानगर अध्यक्ष जी बैठल बाड़न, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठल बाड़न, हमारे कालीबाड़ी वाले बाबा हमके इशारा करे ताड़न कि मैं भी हूँ, उनके भी प्रणाम। तो सब लोग चाहिए थे, बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री सोनू निगम का भी आगमन हुआ है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां गोरखपुर की इस पावन धरा पर। कृपया अपना स्थान बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस महोत्सव में सम्मानित होने वाले महानुभावों का सम्मान अपने शुभ कर्म टीम में आप सदस्य हैं और खेल के क्षेत्र में आपने विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए आज आपको माननीय आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए।
खेल कूद के ही क्षेत्र से गोविंद साहनी जी हैं। प्रतियोगिता में आपने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। खेल के ही क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अतुल सिंह हमारे बीच में हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इनके प्रोत्साहन में वृद्धि करेंगी। जीत कर हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। UAE, भूटान, थाईलैंड और एशिया कप में स्वर्ण पदक मिला है, आपके लिए जोरदार तालियां। सम्मानित है और पर्यावरण एवं संस्कृति आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित। बायोलॉजी सेंटर ऑफ चेक एकेडमी ऑफ साइंसेस लिप्सिंग जर्मनी के बतौर उद्योगपति हैं। केमिकल इंजीनियरिंग कर जनपद में प्रिंट उद्योग की आपने स्थापना की है। आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। आप महिला उद्यमी हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां लगातार मंच तक प्रेषित होनी चाहिए। एथिक कमिटी ऑफ रिसर्च की सदस्य हैं। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय दिल्ली से आप संबद्ध हैं। लेखन भक्ति साहित्य पे चर्चा के रूप में पुरस्कृत हैं। 18 फिल्मों में भी आपने कार्य किया है। आज इस मंच से आपको सम्मानित करके पूरा गोरखपुर सम्मानित हो रहा है। और इस स्मारिका में गोरखपुर से जुड़ी इसकी सांस्कृतिक धरोहर कला उन्नयन और विभिन्न चित्रों के माध्यम से गोरख। आप सभी की जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों के लिए। सभी मंचासीन महानुभावों के हाथ में अभ्युदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खास मौके पर। मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपकी उपस्थिति हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को समर्पित है, जो कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion हम सबको अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें अनुग्रहित करें। साथ ही साथ ये विमोचन हनुमान चालीसा का आप सभी की जोरदार तालियां चाहिए इस शुभ और विशेष अवसर के लिए। तक अपनी प्रेषण करें। शुभ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय जी। प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा इसके उत्तरोत्तर उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है। और साथ ही साथ पासवान जी, मान्य विधायकगण, श्री फतेहबहादुर सिंह जी, हनुमान चालीसा
का भी विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऐसे सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सोनू निगम जी और उनके सभी सहयोगीगण, गोरखपुर रत्न से सम्मानित गोरखपुर के 10वें विभूतियां जिन्हें अभी मंच पर सम्मानित किया गया है, और गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार विपरीत सम और विपरीत दोनों परिस्थितियों में गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आज के समारोह में आप सबकी उपस्थिति, आपका उत्साह एक बार फिर से इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है, और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास पर उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा गोरखपुर फिर पीछे क्यों रहेगा। तो गोरखपुर ने भी उस यात्रा में सहभागी बन करके अपनी एक नई पहचान बनाई, जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ, न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहाँ के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव कला जगत से जुड़े हुए अनेक महारथियों को इस मंच पर आमंत्रित करने में सफल होता है, और साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है। गोरखपुर में तो गोरखपुर की जनता ने एक कलाकार को ही सांसद भी चुन करके भेजा है। अभी जिनका कुछ देर में यहाँ पर मंचन भी होने वाला है, रवि किशन, आज कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी है दोनों के बीच में गायन का। कला वास्तव में इसका सम्मान होना चाहिए और हर स्तर पर इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कल मैं वाराणसी में था, प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे, और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। पूरी दुनिया भारत के संगीत के पीछे आज भाग रही है, क्योंकि इसने एक मंच दी है, एक पहचान दी है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं, इसके पीछे सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है, तो इसके पीछे अध्यात्म भी छुपा हुआ है। वो सब कुछ इसके पीछे है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, समाज को और देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है, और सबको एक साथ लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इस नई भावना को भी नई ऊंचाई देता है। आपने अभी एक पंक्ति सुनी होगी सोनू निगम जी की सिमुख से निकला हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। हनुमान जी की वंदना किस रूप में उन्होंने की, इसको रस्ते समय उनके सामने अनेक संकट भी आए, चुनौतियां भी आई,
लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, एक जगह असफल होते थे दूसरी जगह सफल होते थे। और आज ये मंत्र बन गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, दोनों के लिए समान रूप से हनुमान चालीसा का गायन समान रूप से उतना ही सहज और सरल है जितना कि एक सामान्य बच्चे को जब माँ बाप के बारे में या प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है तो आसानी से बोल लेता है। तो वही स्थिति हनुमान चालीसा की भी है कि हमारे रोम रोम में बस गया है, हर व्यक्ति हर भारतीय हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ करता है। आज यहाँ पर सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सोनू निगम जी ने अपने स्वर से इसे एक नई ऊंचाई दी है। मैं उनको जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली हनुमान की चालीसा को उन्होंने स्वर दे करके इसके माध्यम से न केवल अपने संगीत को कृतार्थ किया है बल्कि बजरंग बली के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए करोड़ों करोड़ हनुमान भक्तों को भी एक नई दिशा उसके माध्यम से देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनकी इस रचना के लिए उनकी इस कृति के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर महोत्सव में आज 10 विभूतियों को सम्मानित किया गया है जो गोरखपुर रत्न के रूप में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। और ये 10 जो जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में कला के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में और गोरखपुर को अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने एक नई पहचान दिलाई है ऐसी 10 विभूतियों को महोत्सव समिति ने गोरखपुर रत्न के साथ जोड़ते हुए उन्हें सम्मानित करके इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहन केवल उन 10 विभूतियों के लिए नहीं है, गोरखपुर की वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी प्रोत्साहन के लिए है कि वे भी अगर प्रेरित होंगे तो ये मंच उन्हें हमेशा सम्मानित करेगा। ये मंच इसी बात को लेकर के हमारी पहचान अच्छाई से हो, महोत्सव के साथ हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य की कार्य योजना भी सबके सामने आ जाए, हम सबको बता सके। आपने देखा होगा विगत 6-7 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसके लिए एक तड़पन थी यहाँ के लोगों के मन में। कभी मेडिकल कॉलेज बीमार था तो दूसरों का उपचार क्या करता, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की सेहत भी ठीक हो गई और एम्स की स्थापना भी हो गई है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना आपने देखा 1932 में 1990 में बंद हो गया था और 2021 में 31 वर्षों के बाद फिर से उसकी चिमनियों में एक नया कारखाना लगा करके फिर से वह फर्टिलाइजर उत्पादन का कार्य पूरी क्षमता से भी अधिक, वहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। गोरखपुर में अब वायु सेवा बेहतर हो गई है। गोरखपुर में जू लोगों के और विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन का एक माध्यम बन गया है। गोरखपुर जैसा सिटी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज गोरखपुर विकास के लिए और 4-4 विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र, स्वास्थ्य का एक नया हब, सर सीधा रखो, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। तो अब देश के अंदर का कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं जो गोरखपुर को विस्मित करके फिल्म बना रहा हो। गोरखपुर में अनेक डायरेक्टर आकर के फिल्म एक्टर्स के साथ मिलकर के फिल्मी कलाकारों को आगे बढ़ा करके गोरखपुर को फिल्म बनाने के केंद्र के रूप में भी उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्वाभाविक रूप से अनेक संभावनाएं बढ़ी। इन संभावनाओं के बीच में गोरखपुर महोत्सव बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर 11, 12, 13 को जहां गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव की धूम थी, अनेक विभूतियों ने, कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, दे रहे हैं, अभी देंगे भी, वहीं 14 और 15 में कल के बाद से गोरखपुर में खिचड़ी मेला प्रारंभ हो जाएगा और बाबा गोरखनाथ को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। ये आस्था और विकास का बेहतरीन समन्वय गोरखपुर महोत्सव से प्रारंभ होकर के मकर संक्रांति के पूर्व पर्व पर हरेक गोरखपुर वासी को, पूर्वांचल वासी को प्रोत्साहित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सोनू निगम जी को हनुमान चालीसा की इस स्वर के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर की रत्न के रूप में जिन 10 विभूतियों का जहां सम्मानित किया गया है, अलग अलग क्षेत्र से हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रवि किशन भी आज यहां मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे उनके प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से, और साथ साथ सोनू निगम जी की भी प्रस्तुति आपको यहाँ पर सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अन्य कलाकार भी यहाँ पर आएंगे, तमाम नवोदित कलाकार गोरखपुर के गोरखपुर महोत्सव मंच के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं गोरखपुर के उन सभी महानुभावों का, आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने गोरखपुर महोत्सव समेत गोरखपुर के हर सकारात्मक कार्यक्रम में सदैव बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, गोरखपुर को एक नई पहचान दिलाई है। जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, और मैं इसके साथ ही गोरखपुर महोत्सव समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थिति के बाद भी महोत्सव किया। मुझे लगता है कि लगभग एक सप्ताह के बाद आज ही यहाँ सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। सुबह से ही आज बहुत अच्छी धूप यहाँ पर थी और मौसम अच्छा था, नहीं तो बहुत शीत लहरी गोरखपुर में थी, और मैं देख रहा था कि लोगों में कम कमी थी लेकिन उत्साह की कमी नहीं थी। आज वह कमी जो सूर्य भगवान के दर्शन न होने के कारण हो पा रही थी, आज वह भी दूर हो गई है। हम गोरखपुर महोत्सव को भव्यता के साथ समारोह की ओर लेके जाएंगे, और साथ साथ खिचड़ी मेले की तैयारी, मकर संक्रांति मेले की तैयारी के साथ जुटेंगे। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तालियां इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित करेंगे, जोरदार तालियां इस खास मौके के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैम। जी महाराज जी, जैसे कला म्यूजिशियन टीम हमारी, सब जल्दी से सब सामान फिट करें तुरंत। भजनों की प्रस्तुति देने वाले अग्निहोत्री बंधुओं का भजन यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले आइए। माई हो, आज इतना अद्भुत मंजर बा, और कुल महाराज जी जैसे पधरना कि आज सूर्य देवता का दर्शन भइल, और हम लोग जो कांप रहे थे, 3-4 दिन से कड़कड़ा गए थे कि बुद्धिया नहीं चलत रहे, तो आज महाराज जी का यह आशीर्वाद बा कि आज मौसम खुल गई और आज आप लोगों को हम देख पा रहे हैं, नहीं तो पूरा फॉग में नहीं देख पा रहे थे। हम का सुनाई, शब्द ना मिला था, लेकिन आज हम कालीबाड़ी वाले बाबा भी हमको बड़ा घूर रहे हैं कि तुम गाओ, आज तुमको देखते हैं। आज पूरा कंपटीशन चला था, और सोनू भैया, सोनू निगम जी वाड़न, मैं ऐसे सिंगर नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी के प्रेम में कुछ भी बन जाता हूँ, और कोई महाराज जी कुछ भी बना सकलन के होके, जेकर मन जो हो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। जितना जोर से बोलबो उतना ठंडी भागी। बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा। बहुत अच्छा। नमः पार्वती पते हारा हारा।
सुंदर। मेरा भोला बहुत सुंदर। सिर्फ आप दे के गए और कुछ लिए नहीं हो, तब आपको हमेशा याद किया जाता और कहा था। और उनके कुछ शब्द हैं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आसुरुद्य में तूफानों में अमर
बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, मानों में, उन्मत्त मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये एकता बहुत जरूरी है इस भारत के लिए, एक होकर चलना, एक विचारों के साथ चलना, तभी मेरा भारत एक विश्व गुरु बनेगा, जो सपना मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र सर्वोपरि, ये भाव लेके जीना खाना मरना हर लोग जी खा रहा है, लेकिन उसके साथ इस भाव को हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। हरवंश राय जी को भी याद करते हैं, हरवंश राय बच्चन जी की यादें अद्भुत रही महाराज जी, और उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद वो गाना जो चुनाव में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जे कबो ना रहल हुआ पा, और एक भोजपुरी गाने के साथ मैं अपनी समाप्ति करूंगा, लेकिन वो देखिएगा, मैं अब हरवंश राय बच्चन जी के बारे में, उन्होंने बहुत अद्भुत लाइन लिखी है कि वृक्ष हो भले खड़े, अग्निपथ जिनके बारे में जानते हैं, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाप मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ। यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, योगी के सरकार वा, योगी के सरकार वा, विकास के बहार वा, सड़क के जाल वा, सड़क के जाल वा, रामदेव मिसाल वा, कबो ना रहल हुआ पा, यूपी में सपा, भैया हो यूपी में सपा, मेरे साथ सब लोग, यूपी में सपा, यूपी में सपा, सबका हाथ उठेगा चाहिए, यूपी में सपा, यूपी में सपा, अपराधी के जेलवा, बिजली रेलम रेलवा, होना गए धारवा, हो कबो ना रहल अब्बा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, अयोध्या के शान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम बा, जय श्री राम बा, जे कबो ना रहल अब्बा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, एम्स में इलाज बा, गोरखपुर के नाम बा, गोरखपुर के नाम बा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फर्टिलाइजर के काम बा, हो जे कबो ना रहल अब्बा, जे कबो ना रहल अब्बा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, यूपी में सपा, भैया हो आप भोजपुरी का तड़का, ये कल बनोले है राती के बैठ के, और वो ये है बहुत हिट गाना रहे, जैसन सोचले वैसन पहरेदार, योगी चौकीदार, पहलेदार पाले, योगी चौकीदार पाले, पहलेदार पाले, योगी चौकीदार पाले, उतानी गरम तानी, तानी गरम तानी, नरम पहरेदार पाले, योगी चौकीदार पाले, सन सोचले रानी वैसन पहरेदार पाले।
सिया उत्तर प्रदेश के भागिया उहे चढ़ गई जे लगावे वो जगिया उहे चढ़ गई लगावे वो जगिया ओ धीरे भागी भागी जैसन सोचने वाली वैसन पहरेदार देखना हो तो मकर संक्रांति पर चले आइए गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। यहाँ मकर संक्रांति से शुरू होकर माह भर चलने वाला खिचड़ी मेला बेमिसाल है। यह मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम भी है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्य देव के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युगीन यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाया जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्य क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तद समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। माँ ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने माँ ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धुनी रमाकर साधना लीन हो गए। उनका तेज देख तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न चावल दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहर्निश जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी कुल मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धज कर तैयार हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है।
मंदिर प्रबंधन की तरफ से उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया जाता है। गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का ऐसा केंद्र है जहां जाति, पंथ, मजहब की बेड़ियां टूटती नजर आती है। इसके परिसर में क्या हिंदू क्या मुसलमान सबकी दुकानें हैं, यानी बिना भेदभाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है। यही नहीं, मंदिर परिसर में माह भर से अधिक समय तक लगने वाला खिचड़ी मेला भी जाति धर्म के बंटवारे से इतर हजारों लोगों की आजीविका का माध्यम बनता है। मंदिर परिसर में नियमित रोजगार करने वालों से लेकर मेला में दुकान लगाने वालों तक बड़ी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। उन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया, बल्कि अपनेपन के भाव से विभोर होते रहते हैं। मेले में खरीदारी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक भरपूर इंतजाम होता है। तरह तरह के झूले और करतब देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व खिचड़ी 15 जनवरी 2023 रविवार को मनाया जाएगा। गोरखपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी के अनुसार संवत 2079 सक 1944 माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:02 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस पर्व पर ऊनी वस्त्र, तेल, घी, तिल, गुड़ आदि द्रव्यों का दान करना श्रेयस्कर होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा, हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी खिचड़ी की तैयारी तदवत है। उसकी तैयारी विशेष रूप से इस बार कानून की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, DGP से लेकर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी तक आ कर के मंदिर का निरीक्षण किए हैं। योगी जी भी समय से उन लोगों के बाद आ कर के वो भी यहाँ निरीक्षण किए हैं। किसी तरह का खिचड़ी के मेला में त्रुटि न हो, इसलिए बार बार उसको देखा जा रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद है, मान जी भी मुस्तैद है, और 15 तारीख को खिचड़ी भोर से ही मनाना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसकी पूर्ण रूप से तैयारी है। कितने बजे का मुहूर्त है? भोर में 4 बजे से ही खिचड़ी का पर्व मनाना शुरू हो जाएगा। क्या महत्व होता है खिचड़ी का? महत्व यही है कि खिचड़ी के दिन स्नान खरवास समाप्त हो जाता है। खरवास समाप्त हो जाने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, तो खिचड़ी की प्रतीक्षा में सभी लोग रहते हैं कि खिचड़ी समाप्त हो जाए तो शादी विवाह अन्य भी जो पर्व हैं इसकी शुरुआत होती है। तो ये खरवास के बाद ये खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं।
तो मकर संक्रांति समाप्त होते ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि मकर संक्रांति का समापन होने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जिसकी प्रतीक्षा जनता करती रहती है। तो ये है महत्व खिचड़ी के दिन। क्यों खिचड़ी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी क्यों चढ़ाया जाता है? खिचड़ी बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी क्यों चढ़ाया जाता है, ये तो आप लोगों को यहाँ के पीठाधीश लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि बेहतर वही लोग बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, वही जानकारी है कि बाबा गोरखनाथ जी खिचड़ी मांगते हुए गोरखपुर में आए थे। वो यूँ आए थे कि एक ज्वाला देवी का मंदिर है जहाँ हिमाचल में, वहाँ जो है पानी उबलता रहता है जी। तो वहाँ से बाबा उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी वो ज्वाला देवी के मंदिर में माता के पास गए, तो वह कहीं बच्चा खिचड़ी बनाना है तो वो खिचड़ी मांग करके लाओ। तो खिचड़ी मांगने के निकले खप्पर लेके अपना, तो उनका खप्पर कहीं भरता ही नहीं था कि खप्पर भरे तो लेकर जाए खिचड़ी बने। तो मांगते मांगते वो खप्पर लेकर के यहाँ गोरखपुर में आ गए। और गोरखपुर में आ गए तो यहाँ वो जो है खप्पर भर गया, गोरखनाथ जी से उनने उस खप्पर में खिचड़ी डाला और खप्पर भर गया, खप्पर लेकर के गए और खिचड़ी बना वहाँ। और तब से खिचड़ी का ये प्रचलन है कि यहाँ की गोरखनाथ की खिचड़ी लोग चढ़ाते हैं और वह ज्वाला देवी के यहाँ भी वहाँ खिचड़ी बनता है और यहाँ भी खिचड़ी बनता है। उस दिन तमाम संभ्रांत लोगों को, गरीबों को खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी चढ़ाया जाता है। नेपाल से लेकर के सुदूर तक लोग यहाँ आते हैं। कितनी संख्या भी होती है यहाँ पे खिचड़ी में? संख्या की बात कहते हैं तो संख्या तो लाखों की भीड़, लाखों के लगभग भीड़ होती है जी। और खिचड़ी चढ़ता है, लोग धूमधाम से मनाते हैं खिचड़ी। क्या जो मेले में श्रद्धालु आएंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेले में जो श्रद्धालु हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि खिचड़ी पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस खिचड़ी पर्व के दिन स्नान करिए, तिल चढ़ाइए, ऊन चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, गरीबों को दान दीजिए, ये सब चीज होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम और निषाद राजगुहा की अभिन्न मित्रता हमारी विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार राम राज्य के संकल्प को साकार कर रही है। सबके साथ न्याय और सबकी समुचित भागीदारी चहु ओर दिख रही है। आज कोई भी किसी गरीब का शोषण और उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता है। सीएम योगी शुक्रवार को निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछली सरकारों में निषाद के नौजवानों को गोली मिलती थी, पर इस सरकार में आपका संकल्प पूरा हो रहा है। आपको अधिकार, सम्मान व सुविधाएं मिल रही हैं। आज पीएम मोदी ने काशी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को रवाना किया है। इससे पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और गंगा पुत्र निषादों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि श्रृंगवेरपुर में श्री राम और निषाद राज की गले लगी प्रतिमा को बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इसी क्रम में 2023 में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा। यह राष्ट्र मंदिर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निषाद समाज के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। निषाद पार्टी ने 10 साल पहले जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण करने की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया जब आगे बढ़ रही है, समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ
आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी भारत की धाक जम रही है। उनके नेतृत्व में देश को दुनिया के 20 सबसे सशक्त देशों के समूह G20 की अगुवाई का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निषादों की समृद्धि के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने मत्स्य संपदा योजना की सौगात दी है। मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से तालाबों का निर्माण हो रहा है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना भी आने जा रही है। वाराणसी में 1600 नावों को CNG से जोड़कर उन्हें किट उपलब्ध कराई जा रही है। निषादों को बोट योजना पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए बजट की व्यवस्था कराई गई है। संकल्प दिवस समारोह में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने CM योगी का स्वागत करते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस को चुनाव हारने के बाद निषादों की याद आ रही है। निषाद समाज के लोगों को अपने हक हकूक के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चिंता करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और उनके समक्ष यह मामला आते ही उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भी लिखा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि काशी में रिवर क्रूज को लेकर विपक्षी दलों ने निषाद समाज का हक मारे जाने का दुष्प्रचार शुरू किया है। सच्चाई यह है कि इससे सर्वाधिक रोजगार का लाभ निषाद समाज के लोगों को ही मिलेगा। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद समेत निषाद पार्टी के विधायकगण, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने परिवार को छोड़ के महाराजा गोरा निषाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और निषाद पार्टी के आन बान शान पोलिटिकल गार्ड पक्षनाथ की 52 धरती पर आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर तो तहे दिल से बधाई देता है कि आप लोगों का जोश, आप लोगों का विश्वास करेंगे। संजय 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 अगर की आवाज अपने जुबान से देंगे। संजय 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 जिंदाबाद 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 डॉक्टर संदीप कुमार निषाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलिए महाराज
मुख्यमंत्री जी और मंदिर से चल रही है, अभी 5 मिनट में पहुंचाएंगे। मैं 5 मिनट पहले बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, उसके बाद 5 मिनट बोलूंगा। मैं इतना चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर बोले भाई जय निषाद रहा। अच्छा, ये निषादों का खून है क्या? ऐसे लगता है कि इसमें कुछ रावण बाग वाले बैठे हैं। दो बात उठाकर जय निषाद रहा, जय निषाद रहा, निषाद पार्टी, महाराजा गुरु निषाद की, भारत माता की जय श्री राम। साथियों, आज का ये संकल्प दिवस आज से 9 वर्ष पहले हमें ये पता चला कि इलाहाबाद से 40 किलोमीटर लखनऊ रोड पर गंगा के किनारे एक विशाल राज का किला। जब इतने था में भगवान राम जब दंड भ्रमण गए थे तो मेरे बड़े भाई को याद किए, निषाद राज से जब गले मिले थे तो निषाद राज ने कहा, हे राम मित्र थे हो, भविष्य में भी मित्र रहोगे, लेकिन आज आपके अंदर मैं भगवान की शक्ति देख रहा हूँ, दुनिया में भगवान राम के रूप में पूजे जाओगे। ये पहली बार निषाद राज ने बोला था। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ स्कूल के उस निषाद राज के खून के जिन्होंने पहली बार भगवान की शक्ति पहचाना था। 70 साल देश आजाद हो गया, 750 वर्ष मुगल, 350 वर्ष अंग्रेज। पहले कभी आपके इसी डंडे में निषाद राज का झंडा था, कभी इसी डंडे में जय श्री राम का झंडा था, नावकों पर आपका बेड़ा था, जहाज भी बेड़ा था उस पर आपका झंडा था, लेकिन मुगलों ने तलवार के बल पर आपके झंडे को उतरवा दिया और डंडे में अपने डंडे में मुगलों ने अपना झंडा डालने की कोशिश किया। मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि जो डर गए वो मर गए, उन्होंने धर्म बदल दिया, लेकिन आपके पुरखों ने तलवार सहा, तोप सहा, लेकिन किसी पैमान का झंडा अपने डंडे में नहीं टांगा। ये आपके मन ऊपर फक्र है। आज के दिन में हम लोग आज उस चीज को याद करते हैं। तोप लेके आए रोज भी अपने डंडे में झंडा टांगने की कोशिश किया, लेकिन तोप से उड़ गए हमारे हजारों लोग। सती चौरा घाट की कहानी समाधान निषाद सारा आपको, गंगा देवी निषाद का, उधम सिंह का सब आपको जलियांवाला बाग कांड याद होगा। सारा कुछ आपको पता है कि कैसे आपके पुरखों को पर तलवार और तोप चली थी। लेकिन आपके पुरखों ने किसी का झंडा नहीं उठाया। धोखे से कांग्रेस ने कहा कि मैंने देश को आजाद किया है, मेरा साथ दो, अपना हाथ लो, हाथ मिलाओ, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। लेकिन पैमानों ने आपका वोट तो लिया, आपके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया। आपका बेटा डॉक्टर संजय निषाद, मुकुल वासनी और शैलजा ने जिसे आपकी फाइल गायब करा दी, उसके खिलाफ दिल्ली के उस नई दिल्ली में थाने में उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा दिया। एक समय उन्हें जेल भी भेजवाऊंगा जो निषादों का हिस्सा खाने का काम किया है। आपको धोखा खा गए, हाथी वाले भी अपना झंडा लेके आए, आपके डंडे को खाली पाया। 70 साल में कांग्रेस का झंडा पड़ गया, हाथी ने नीला टांग दिया, साइकिल ने टांग दिया, दोनों तीनों ने टांग दिया। 70 साल से आपने दूसरे का झंडा ठोया, क्या पाया? कुछ मिला? अरे कुछ मिला बताओ, कुछ मिला? पूरा हाथ मिलाओ, ऐसे तब मानेंगे कुछ मिला। पूरा हाथ मिला, जिसका मिला उन्हें हिलाएगा। कुछ मिला भैया? कुछ मिला? इनके साथ जाना है, बोलो भाई, इन्हें वोट देना है, इनका झंडा उठाना है, बोलो उठाना है, छूना है। तो मैं गए बोलो कैसे उनका हिस्सा मिला। उन्होंने अपने गांव में ऐसा गेट पाटना, दलित बस्ती में जय भीम का झंडा देखने के बाद सारे नेता कहते हैं टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, ये पार्टी वाले हैं, बहन जी वाले हैं। किसी यादव भाई के मोहल्ले में जाओ, वह साइकिल का झंडा देखने के बाद कहते हैं ये मुलायम वाले, पौआ वाले नहीं है, पैसा लेकर बिकने वाले नहीं है।
लेकिन आपके मोहल्ले में सभी पार्टी के झंडे आते हैं, सबके एजेंट बैठे हुए हैं। निषादों के मोहल्लों में गरीबों के तेली बढ़ई लोहार हाथ पाल के इन मोहल्लों में, रात भर के मोहल्लों में सारे पैमानों ने अपना अपना एक एजेंट लगा रखा है। उन दलालों को हलाल करो, आपका माला माल कर दूंगा डॉक्टर संजय निषाद पार्टी माला माला के लिए। आज सुझाव लेना, आप चाहिए कि पूरा आधा की पूरा। मैंने इतने वहां था कि आपके पास पौवा चार इन लोगों ने पौवा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता महाराज जी की कीमत, महाराज जी की जो प्रेरणा है, जो जोश, जो इनकी आवाज है, उसे हमें लंदन महाराज जी को कराइए और हम लोगों का सम्मान जो भारत में बढ़ रहा है वो दुनिया में। तीर और धनुष ने रावण राज खत्म किया कि नहीं किया? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने जब गले लगाए निषाद राज, उस त्रेता के उस संस्कृति को, उपेक्षित जो जंगल था, उसको आपके इस निषाद पार्टी के झंडे जय निषाद राज के नारे से संदेह तो दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को 370 खत्म हो गया, तलवार भाजने वाले आज घरों में कैद हो गए हैं, पूरे देश के लोग अमन चमन से रह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, आपके सहयोग, आपकी सरकार के साथ आने से उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलता है। हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि कितनी कत्लें हुई थी इस प्रदेश में, मंदिर बनाने गए कितने उत्साह बिखेरते हुए। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन बनाते हुए आप सभी के बीच में, सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मंच पर, और इस गोरखपुर का दिल कहे जाने वाला दिग्विजयनाथ पार्क में उपस्थित हमें, और माननीय मंत्री जी, सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी, और युवा विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। स्मारक का मोमेंटम भेंट करेंगे युवा क्रांतिकारी विधायक भाई इंजीनियर सरवन निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और अब मैं आप सभी के बीच में होगा परचम लहरा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के तालियों का बड़ा करेंगे साथियों। योगी योगी भारत माता की, भारत माता की जय।
श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज के संकल्प दिवस में इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सरवण निषाद जी, विवेकानंद पांडे जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, श्री राजबाब उपाध्याय जी, श्री अनिल त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री विपुल दुबे जी, श्री विनोद बिंद जी, ऋषि त्रिपाठी जी, महंत रविंद्र दास जी, निषाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मालती निषाद जी, डॉक्टर अमित निषाद जी और प्रदेश भर से आए हुए निषाद राज्य के सभी अनुयायी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपके 10वें संकल्प दिवस के इस आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद मल्ला माझी केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है और उस उत्साह के लिए आप सब आगे एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे वीवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा, बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्ला
और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माजी नाविक और मल्लाह बंधुगण है उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्री कुबेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के उस पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो भाइयों बहनों आज वहां पर न केवल हजारों वर्षों की निषाद राज की परंपरा और विरासत बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है। जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, मत्स्य संपदा योजना न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर बल्कि डॉक्टर संजय निषाद तो प्रदेश सरकार के हिस्से हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले इस बात को सुनिश्चित किया है, गांव के तालाब हो या अन्य जो भी ऐसे कार्य होने हैं उनमें मत्स्य पालकों के पट्टाधारकों के लिए भी प्राथमिकता निषाद, विंद, केवट, मल्ला, माझी या इनसे जुड़ी हुई जातियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्राप्त होना चाहिए और राज्य सरकार इसे पहले ही पालन कर चुकी है। लेकिन साथ साथ मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से भी उन तालाबों के निर्माण में योगदान देने की कार्रवाई को भी जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है वहां पर हम लोगों ने अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है और इस विभाग के मंत्री स्वयं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक नया प्रस्ताव और आ रहा है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी है। आपने देखा होगा अब डीजल और पेट्रोल और केरोसिन से नहीं सीएनजी की नौकाएं आ रही है। वाराणसी में अकेले वाराणसी में 1600 ऐसी नावों को सीएनजी के साथ जोड़ करके फ्री में एक सारा किट उन्हें उपलब्ध करवाया गया है और आज वहां पर लोग बेहतरीन रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में हम इन योजनाओं को जहां आगे बढ़ाएंगे वही मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज आप सब जान रहे हैं ये नया भारत है,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हर उस नागरिक को जिसके पास आवास नहीं, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हो, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में एक शौचालय बनाने की कार्रवाई हो, जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं उसने बिजली का कनेक्शन देने की कार्रवाई हो, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई जबरन हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार का संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक और आंतरिक मोर्चे पर विरासत का सम्मान के बाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री की भव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हरेक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। और भाइयों बहनों, आज न केवल आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी अगर आप देखेंगे भारत कैसे भारत की धाक जमी है, दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 के रूप में जाने जाते हैं उनकी अध्यक्षता का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रहा है। ये दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया में 60% आबादी जहां निवास करती है, 75% व्यापार पे जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिसका अधिकार है, और 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानवता के कल्याण के एक नए मार्ग पर इस सभी 20 देश निकल पड़े हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद राज पार्टी ने 10 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए, उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन सहित अन्य कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शनिवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान।
दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब अपराध नहीं आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है गोरखपुर। 6 सालों में विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है गोरखपुर। त्रेता युग से चली आ रही है गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। 15 जनवरी को चढ़ेगी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी। श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला। बाबा को चढ़ाए जाने वाले अन्य जरूरतमंदों में वितरित होता है वर्ष भर। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, साकार हो रहा है राम राज्य का संकल्प। आज कोई भी किसी गरीब का नहीं कर सकता है शोषण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के चुनाव के लिए दाखिल पर्चों की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की जांच। 27 में से 25 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए वैध। 2 पर्चों को किया गया खारिज। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर में 13 जनवरी की शाम 8 बजे से 16 जनवरी की शाम 8 बजे तक वाहनों का रूट किया गया है डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिला अस्पताल में मरीज एवं लावारिस लोगों को वितरित किया गया कंबल। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, गरीबों एवं मरीजों के साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी वितरित किया गया है कंबल। और महानगर में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप। अभी भी शीतलहर की बनी हुई है संभावना। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, सुबह व शाम का मौसम अभी रहेगा सर्द। जरूरत पड़ने पर ही निकले रात में घर से बाहर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के पर्चों की शुक्रवार को आयुक्त न्यायालय में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी द्वारा जांच की गई। इस दौरान गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य सहित अन्य प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर अपने पर्चों की जाँच करवाई, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 42 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनमें से 27 प्रत्याशियों के पर्चों की जाँच होना है। जिनमें से 27 नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें से 25 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए और 2 प्रत्याशियों के पर्चों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, जांच पूरी होने के बाद 16 जनवरी तक नाम वापसी होगी और 30 जनवरी को मतदान होगा तथा 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी व सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, पहला प्रश्न ये नहीं, खुद के साइन करके आके देते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, प्रस्ताव के आके दे सकते। ठीक, अच्छा। दो है, अब देखने के बाद।
अब तो सपा ने चुनाव के प्रत्याशी बनाया जा रही है, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर जीते हैं तो शिक्षक वर्ग के लिए क्या? निश्चित तौर पे ये जो स्नातक क्षेत्र है तो स्नातकों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और हमारे जो शिक्षक साथी हैं इसके लिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इनकी पुरानी पेंशन के लिए मांग करते रहे हैं। हमारे 2022 के चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसको रखा गया था कि हम OPS को बहाल करेंगे, और उस आधार पे या कहा जाए पढ़े लिखे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में बैलेट में समाजवादी पार्टी को 300 प्लस सीटों पे विजय दिलाए थे। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की सोच है कि कर्मचारियों का हित हो। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको भी स्थायी करने की घोषणा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार नहीं आ पाई। तो निश्चित तौर पे चुनाव जीतने के बाद सदन में जाने पे चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, शिक्षा मित्र साथी हो, इनको रेगुलर करने की मांग की जाएगी, और हमारे जो वित्तविहीन के टीचर्स हैं जिनको मानदेय जो मिलता है प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कतई वो भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनकी भी हम लोग सदन में मांग करेंगे कि इनको भी एक अस्थाई मानक सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाए और दिया जाए। जो है यहाँ 27 कैंडिडेट की जो है जांच नामांकन है, हमारे 42 नामांकन इन लोगों ने किए हैं, एक एक करके सबकी जांच की जा रही है, और अब तक जो है केवल 15 नामांकन की जांच पूर्ण हो चुकी है। क्या प्रक्रिया रहेगी? अब ये जांच पूर्ण होने करने के बाद 16 तारीख तक, 16 जनवरी तक नाम वापसी की तिथि है, और उसके बाद जो है मतलब चुनाव में लड़ने वालों की सूची तैयार हो जाएगी, उसके बाद मतपत्र बनाया जाता है और 30 जनवरी को जो है चुनाव होगा। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर में 13 जनवरी शाम 8 बजे से 16 जनवरी शाम 8 बजे तक वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। इसके अलावा 24 जनवरी को बुढ़वा मंगल और 26 जनवरी को बसंत पंचमी गणतंत्र दिवस से 5 फरवरी तक रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महाराजगंज फरिंदा पीपीगंज से आने वाले चार पहिया व रोडवेज ट्रक बस बरगदवा से भगवानपुर स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची चौराहा पादरी बाजार कवाबाग मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। रेलवे स्टेशन यातायात तिराहा से जाने वाले बरगदवा पीपीगंज फरिंदा सनौली जाने वाले वाहन विश्वविद्यालय चौराहा मोहद्दीपुर कवाबाग पादरी बाजार खजांची स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। वाराणसी मऊ बडहलगंज से आने वाले वाहन बाघागाड़ा कालेश्वर जंगल कौड़िया फोर लेन होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। महाराजगंज पिपराइस से आने वाले सभी वाहन पादरी बाजार कावाबाग मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। यातायात तिराहा से आने वाले सभी वाहन धर्मशाला गंगेश दुर्गाबाड़ी सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी से ग्रीन सिटी मोड़ होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। JP हॉस्पिटल गोरखनाथ ओवरब्रिज से आने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित व दुर्गाबाड़ी सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी से ग्रीन सिटी मॉल होते हुए जाएंगे। वहीं बिहार बलिया देवरिया मुगलसराय वाराणसी आजमगढ़ मऊ कुशीनगर एवं जौनपुर से आने वाले वाहन जो गोरखनाथ मंदिर को जाएंगे उनकी गाड़ी भगवती महिला महाविद्यालय परिसर में खड़ी होगी। शहर क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल गोरखनाथ पुल के नीचे दुर्गाबाड़ी तिराहे पर खड़ी होगी। सूरज कुंड कॉलोनी व उसके आसपास से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां रामलीला मैदान मानसरोवर मंदिर के पास खड़ी होगी। ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन मेवालाल गुरुकुल स्कूल श्री गोरखनाथ के 4 नंबर के पास खड़े होंगे। बहराइच श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थनगर फरिंदा नेपाल सनौली एवं महाराजगंज से आने वाले वाहन लेबर तिराहा से रामनगर तिराहा तक सड़क के दोनों तरफ खड़े होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं,
उनको दर्शन के लिए और पर्व को मनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए हमने डायवर्जन प्लान लागू हुआ है, जो आज 13 जनवरी की शाम 6 बजे से लागू होगा और 16 तारीख की शाम को 6 बजे तक जो है ये जारी रहेगा डायवर्जन प्लान। इस डायवर्जन प्लान के अंतर्गत बाहर से आने वाले हैवी व्हीकल्स पे पूरा रोक है। जो नो एंट्री रात को खोलते हैं वो नो एंट्री नहीं खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो रोडवेज की बसें और सिटी बसें हैं उनका संचालन बरगदवा की तरफ से इंडस्ट्रियल मोड़ पर और धर्मशाला की तरफ से आरपीएफ ग्राउंड पर वो लास्ट स्टॉपेज पॉइंट होगा। वहाँ से आगे बसें और कोई भी वाहन जो है नहीं जाएगा। ऑटो और ई रिक्शा भी इस नो व्हीकल जोन में आरपीएफ ग्राउंड से लेके इंडस्ट्रियल मोड़ तक प्रतिबंधित रहेंगे। बाहर से आने वाले भारी वाहनों के लिए जो महाराजगंज फरेंदा की तरफ से आएंगे वो इंडस्ट्रियल मोड़ से मुड़कर खजांची स्पोर्ट्स कॉलेज कौवाबाग मोहद्दीपुर होते हुए चाहे रेलवे स्टेशन जाना हो अथवा देवरिया जाना हो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार लखनऊ संत कबीर नगर बनारस बड़ालगंज की तरफ से आने वाले वाहन बागागाड़ा कालेश्वर और जंगल कौड़िया होते हुए फोर लेन के माध्यम से बाईपास होंगे और शहर के अंदर रामलीला मैदान रसूलपुर तिराहा दशहरीबाग तिराहा और हिमालयपुर चौराहा से मंदिर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वीआईपी जिनको पास निर्गत किए गए हैं जो मंदिर में इनवाइटेड हैं उनके आने का रूट धर्मशाला गंगे चौराहा सूरजकुंड ओवर ब्रिज अंधियारीबाग रसूलपुर और दशहरीबाग से होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। केवल पास धारक वाहन। इस पर हमने पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। पार्किंग में सबसे पहले भगवती महिला महाविद्यालय पर देवरिया विहार से आने वाली बसों की पार्किंग की गई है। इसके बाद आरपीएफ ग्राउंड पर फोर व्हीलर्स की पार्किंग है। गोरखनाथ ओवरब्रिज से उतर के दाहिनी तरफ टू व्हीलर्स की पार्किंग है और रामलीला मैदान में सूरजकुंड कॉलोनी के आसपास रहने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग है। मेवालाल गुरुकुल महाविद्यालय में जो भी कर्मचारी पुलिसकर्मी हों राजस्वकर्मी हों अनुभागों के हैं उनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लेवर तिराहा से रामनगर तिराहा तक और बागीचा पार्किंग और औद्योगिक क्षेत्र से रामनगर तिराहा सड़क के दोनों तरफ शांतिवरम धाम एवं कुष्ठ आश्रम के पीछे एवं सिंचाई विभाग कॉलोनी एवं स्प्रिंगर रोड मोड़ पर सड़क के दोनों तरफ जो भी वाहन बैराज श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थ नगर की तरफ से आएंगे उनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस पार्किंग व्यवस्था के अनुसार ही अपने वाहन पार्क करें। इससे आपका वाहन सुरक्षित रहेगा और आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत असुविधा आती है तो ड्यूटी पर लगे ट्रैफिक कर्मी से संपर्क करें, वो आपको जाने का मार्ग भी बताएंगे और आपके वाहन की पार्किंग का स्थान भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज एवं लावारिस लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसके संबंध में वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि वीर बहादुर फाउंडेशन संस्था द्वारा हर वर्ष ठंड में गरीबों एवं मरीजों के बीच कंबल वितरण किया जाता है तथा इसके साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी कंबल वितरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इस ठंड के प्रकोप में कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारियों को भी आगे आकर गरीबों मरीजों की मदद करनी चाहिए, जिससे इस भीषण ठंड और शीतलहर से राहत मिल सके। इस अवसर पर सैयद अल्ताफ हुसैन, समीर राय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जयराम सिंह, आदित्य कुमार, अतुल सिंह, अरुण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अरविंद सिंह सहित अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, बाकी लोग थोड़ा सा बाहर हो जाए प्लीज, बाहर हो जाए एक आदमी प्लीज, बाहर हो जाए। सर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से
मैं जितेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है ना, ये आप भैया आपके लिए बाबा, ये आपके लिए है, ये तो अस्पताल वाला है ना, ये अब आपके लिए, ठीक है, ये कंबल सरकार वाला है, ये आपके लिए है, ये घर ले जाइएगा, ठीक है, अरे मैम उधर से जाइए मैम, ये कंबल आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके लिए, ठीक है, वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से मैं जितेंद्र बहादुर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो थे उनके छोटे भाई हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, ये कंबल आपके लिए है, ये तो घर ले जाएंगे आप, अस्पताल का ही आपके लिए, बहादुर सिंह जी फाउंडेशन की तरफ से है और ये आपके लिए है, ठीक है, ये कंबल तो अस्पताल का ही आपके, ठीक है, मैं जितेंद्र बहादुर एकदम घर ले जाता हूँ, ठीक है, ये अस्पताल का है लेकिन ये आप घर ले जाइएगा, ठीक है ना, और जल्दी स्वस्थ होइए, अरे आशीर्वाद है सर, आज माननीय उनका नाम बोलते जल्दी समझ जाएगा, मैं जितेंद्र बहादुर से, ये आपके लिए है, यहाँ घर जाइएगा, यहाँ नहीं गई, आपके लिए है, बगल से घर ले जाइए, ठीक है, बहादुर सिंह फाउंडेशन आप दे दीजिए, इनका है, ठीक है ना, बोला नहीं जाता, प्लीज हटिए थोड़ा, प्लीज हटिए, अच्छा, वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से है, इसको घर ले जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो थे, ठीक है, इनके साथ कोई, हाँ, इस पे कोई, इनके साथ कौन है, आओ सर, इसके साथ कौन था सर, देखिए इधर ही पूरा बेड भरा, इसपे कौन है, माता जी है, ये कंबल सिंह, अरे भैया दे दो, दो मिनट के अंदर, ठीक है, सर की तरफ से, ठीक है ना, और ये घर ले जाएगा ना, नहीं के घर से आई भाई फाउंडेशन की तरफ से, देखिए सर समझ जाएंगे, एक बस ठीक है भाई, उनको दे दिया जाते हैं, सबको दे दिया, सबको दे रहा सर, उसको पता है, ये तुम्हारे लिए है बेटा, वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री सर, सर एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से हम लोग खासकर जाड़े के मौसम में हम लोग कंबल वितरण करते हैं, और मैं सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है कि आम जनमानस तक ठंड से राहत दी जाए कंबल वितरण करके, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी आगे बढ़ के आएँ और आम जनमानस के अपने प्रयासों से उनके दुख का निवारण के लिए कुछ कंबल वितरण अवश्य करें, धन्यवाद, उद्देश्य यही है, हर वर्ष के भांति हम लोग करते हैं, जनसेवा के कार्यों में हमारी संस्थाएं जो है काम कर रही हैं और आगे भी करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों को, हम जैसे मैंने कहा ना कि मैं चाहूँगा कि सरकारी संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, कंबल वितरण कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, फाउंडेशंस हैं, वो भी आएं आम जनमानस की सेवा में, रेस्क्यू में, क्योंकि इस वक्त ठंड जो है पूर्वांचल में अपना कहर ढाया हुआ है, और उसके निवारण के लिए हम सबको मानवता के लिए बाहर खुल के आना चाहिए और आम जनमानस की सेवा में लग जाना चाहिए, धन्यवाद। महानगर में आज मौसम कुछ साफ रहा और धूप निकला, फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में अभी ठंडक रहेगी और लोगों को अपने आप को पूरी तरीके से कपड़ा पहन करके घर से बाहर निकलना चाहिए, आवश्यकता ना हो तो घर में ही रहें। इस बारे में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि आज मौसम थोड़ा साफ था, सुबह से ही धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी शीतलहर की संभावना बनी हुई है, पूर्वानुमान
के अनुसार अभी 17 से 18 जनवरी तक शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। दिन में थोड़ा उजाला हो सकता है, परंतु सुबह व शाम का मौसम अभी सर्द रहेगा और इसके दृष्टिगत सभी नागरिकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इससे लोगों की तबीयत पर काफी फर्क पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी शीतलहर खत्म नहीं हुआ है, तो अभी उसी के अनुसार व्यवस्था रखें, जरूरत पड़ने पर ही रात में घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, सुबह थोड़ी धूप जो खिली है और लेकिन अभी शीतलहर की संभावनाएं पूरी बनी हुई है और अभी शीतलहर चलेगा भी तकरीबन ये 18-19 तारीख तक जो हमारे पास पूर्वानुमान है उसके अनुसार शीतलहर बनी रहेगी और दिन में हो सकता है हमें कुछ दिन के लिए उजाला मिले, लेकिन रात और जो सुबह की मतलब जो मौसम रहेगा वो सर्द रहेगा और उसके दृष्टिगत अभी सावधानियां पूरी बरतनी ज़रूरी हैं क्योंकि मौसम का ये अप डाउन जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी लाता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति हैं सब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि अभी शीतलहर ख़त्म नहीं हुआ है, शीतलहर अभी है और उसके दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएँ रखें और आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से करते रहें, अनावश्यक रात काल में बाहर न निकलें और शीतलहर से अपने आप को सुरक्षित रखें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन सहित अन्य कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शनिवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अब अपराध नहीं आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है गोरखपुर। 6 सालों में विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है गोरखपुर। त्रेता युग से चली आ रही है गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। 15 जनवरी को चढ़ेगी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी। श्रद्धा मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला। बाबा को चढ़ाए जाने वाले अन्य जरूरतमंदों में वितरित होता है वर्ष भर। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, कहा साकार हो रहा है राम राज्य का संकल्प। आज कोई भी किसी गरीब का नहीं कर सकता है शोषण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के चुनाव के लिए दाखिल पर्चों की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की जांच। 27 में से 25 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए वैध, 2 पर्चों को किया गया खारिज। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर में 13 जनवरी की शाम 8 बजे से 16 जनवरी की शाम 8 बजे तक वाहनों का रूट किया गया है डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिला अस्पताल में मरीज एवं लावारिस लोगों को वितरित किया गया कंबल। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, गरीबों एवं मरीजों के साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी वितरित किया गया है कंबल।
महानगर में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप, अभी भी शीतलहर की बनी हुई है संभावना। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, सुबह व शाम का मौसम अभी रहेगा सर्द, जरूरत पड़ने पर ही निकले रात में घर से बाहर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।